पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम के दरबार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सावन के पहली सोमवारी पर लगभग 50,000 भक्तों ने जलाभिषेक किया है और पूरे मंदिर की व्यवस्था, लोगों को संभालना, कंवारियों को लेकर जो है बहुत तरह की अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती है। तो सभी तरह के जो निर्णय लिए गए थे, जो सुचारू रूप से लागू किया गया है, उसको लेकर क्या क्या दिक्कतें आई, इन सभी मुद्दों पर मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो इनसे सवाल होगा कि 2 साल कोरोना के बाद कैसा लगा मंदिर का आज दृश्य? दृश्य के बारे में तो मैं यही कहूँगा, जब कोरोना पर आस्था भारी है और आस्थावान लोग, जबकि मेरी उम्र लगभग 60 चल रही है और इतनी तप्त धूप इस महीने में मैं कभी तक नहीं देखा था, जितनी तप्त धूप इस महीने श्रावण माह के महीने में है, उसके बावजूद भी कांवरिये यहाँ से 75 किलोमीटर दूर पैदल नंगे पांव कांवर लेके आते हैं, कुछ तो 8 घंटे 10 घंटे में, जिसको डाक कांवर कहते हैं, लेके आते हैं, और कुछ 2.5 दिन में 1.5 दिन में 2 दिन में लेके आते हैं, उसको लोकल कांवर कहते हैं, स्थानीय कांवर कहते हैं, और बाबा को जल चढ़ाते हैं। उसके साथ ही जो स्थानीय श्रद्धालु जो कांवर लेके नहीं आते हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, माँ हैं, ये लोग भी जलाभिषेक कर रहे हैं और करते आए हैं। कल रात्रि 12 बजे से लेकर और आज दिन 1 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रही, उसके बाद भीड़ आस्ते आस्ते कम हुई है। अभी भी भीड़ है लेकिन कंट्रोल में भीड़ है। कुल मिला जुला कर कहें तो बहुत सारे मंदिरों में, खास करके सावन के सोमवारी पर जो प्रधान पुजारी होते हैं, सब लोगों पर जो है अलग अलग जिम्मेवारी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है। तो क्या लग रहा है कि इस वक्त तो पहली सोमवारी थी, दूसरे सोमवारी को और कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है? देखिए, पहली सोमवारी है, भीड़ कम होती है, लेकिन दूसरी और तीसरी की भीड़ जो होती है ना, अप्रत्याशित भीड़ होती है। सुनिए, अगर 50,000 इस श्रावण के पहली सोमवारी में आए हैं तो मान लीजिए दूसरी सोमवारी में 5 लाख से ऊपर के श्रद्धालु होंगे, तीसरे में 10 से 15 के बीच के श्रद्धालु, कांवरिये श्रद्धालु होते हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का अच्छा व्यवस्था रहा है, उसके बावजूद भी कि जो पुलिस के भक्त बात बहुत कम सुनते हैं, तो मंदिर सेवा दल के लगभग 1800 सदस्य हैं और वो लगातार लगे रहते हैं कांवरियों का सेवा करना, कांवरियों का जल लाना, कोई कांवरिया पिछड़ गया हो तो उनको उठा के बाबा के अर्घा तक लाना, उनका जल चढ़वाना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। और सबका जल चढ़े और सब कोई लाइन से आके जल चढ़ाए, ये सुनिश्चित सेवा दल के सदस्य कहते हैं, तन मन धन से लगे रहते हैं सेवा दल के सदस्य। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा सेवा दल का सदस्य इतना डिवोटी होकर कार्य करता है, तो बहुत खुशी होती है। हमारे दर्शकों के मन में यह भी एक सवाल होगा कि बाबा गरीबनाथ कैसे नाम पड़ा और इसकी क्या पीछे कहानी रही होगी। इस पर हम प्रधान पुजारी जी से आग्रह करेंगे कि संक्षिप्त में जो है अपनी थोड़ी सी बातों को रखें। देखिए, कहानी नहीं है ये सत्य है। मैं छठी पुस्त हूँ यहाँ, अगर मैं बताऊँगा तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा, लेकिन मैं एक संक्षिप्त बात हूँ कि बहुत पहले छोटा सा मंदिर था और 42 के आसपास में एक भक्त आते थे, दुक्का इक्का दुक्का भक्त, एक छोटा सा शहर था ये, मुंशी जी थे वो।
उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किए, उनका रूप धर के उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किए, तो वो उनको एहसास हुआ जी ये दैवीय शक्ति है, मैं जाता हूँ महादेव की पूजा करने, तो महादेव ही मेरा रूप धर के मेरा कार्य किए हैं। तो वो गरीबों के नाथ, गरीब नाथ कहते हुए अपने घर से दौड़ते हुए आए, तो उस समय से इनका नाम गरीब नाथ पड़ा। पहले एक शिव मंदिर रूप था, जहाँ मुजफ्फरपुर में एक शिव मंदिर है, कहीं स्वयंभू शिवलिंग है, पेड़ के कटने से, सात पेड़ था, सातवें पेड़ के पीपल के पेड़ कटने के, आज भी कटे के निशाने यहाँ पर, ये पूरा कटा हुआ पत्थर इतना है और लाल रंग का द्रव बहने लगा था, तो स्वयंभू शिवलिंग है और मनोकामना शिवलिंग है। इनका नाम गरीबनाथ पड़ा। 60 के आसपास, ये 57 से 60 के बीच में 5 आदमी कांवर यात्रा शुरू किए थे पहले या से, और आज बाबा गरीबनाथ की इतनी कृपा है जो 25 लाख पूरे श्रावण मास में लोग जाते हैं, बाबा को जलार्पण करते हैं, मात्र 80 से 82 साल 85 साल के अंदर में, तो बहुत असीम महिमा है बाबा गरीबनाथ की। तो इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा अपने विराट स्वरूप में आना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। और एक चीज़ और खासियत मैं बताता हूँ गरीबनाथ मंदिर के बारे में, सत्यनारायण पूजन सब जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सत्यनारायण पूजन गरीबनाथ मंदिर में ही होती है। आप एवरेज अगर निकाल के चलेंगे तो 100 पूजा प्रतिदिन यहाँ होता है, जो अपने आप में एक अनूठी चीज़ है। बाकी जगह 10 पूजा 20 पूजा होता है, सत्यनारायण पूजन सब जगह होता है, लेकिन यहाँ सत्यनारायण पूजन सबसे ज़्यादा होता। बाबा गरीबनाथ धाम सबसे ज़्यादा सत्यनारायण पूजन के लिए जाना जाने लगा है। फिर मिलते हैं अगली सोमवारी पर, भक्तों की भीड़ होती है और कैसी व्यवस्थाएं होती है तमाम मुद्दों को लेकर, तब तक दीजिए इजाज़त। पंजाब केसरी से के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी।